मैं हूं निशा। बात करेंगे बड़ी खबर में, कौन सी खबर रही सुर्खियों में। गलवान घाटी में शहीद जवानों पर मोदी सरकार मौन क्यों, सीएम भूपेश बघेल ने किए सवाल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्पीक अप इंडिया के तहत मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सीएम भूपेश बघेल ने गलवान घाटी में शहीद जवानों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा स्पेशल टीम चाहिए तो वो भी देंगे, लेकिन आप बच्चे का जल्द से जल्द पता लगाएं। पथलगांव में घर के सामने से गायब 4 साल की मासूम बच्ची का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने जसपुर एसपी को फटकार लगाकर बच्ची को जल्द से जल्द तलाश करने को कहा है। गृह मंत्री ने कहा है कि जरूरत हो तो रायपुर से स्पेशल टीम भी भेज दिया जाएगा। आपको बता दें कि पथलगांव के महादेव टिकरा मोहल्ले से 4 साल की मासूम बच्ची बुधवार शाम से लापता हो गई। परिजनों के मुताबिक बच्ची शाम को घर के पास ही खेल रही थी। शाम ढलने के बाद काफी देर तक जब बच्ची नहीं दिखी तो परिजनों ने आसपास खोजबीन भी किया, लेकिन मासूम का कहीं पता नहीं चला। परिजनों ने पुलिस में बच्ची के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई है। घर के पास ही शराब की दुकान होने से परिजनों को बच्ची के साथ अनहोनी की आशंका है। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 17,296 मामले, कुल संख्या 4,90,401 हुई। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 17,296 नए मामले सामने आए हैं और 407 लोगों की जान गई है। इन आंकड़ों की वजह से कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,90,401 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों की माने तो भारत में अभी तक 15,301 लोगों की मौत हो चुकी है। कुल मामलों में से 2,85,637 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि देश में 1,89,463 सक्रिय मामले हैं। 12 अगस्त तक रेगुलर ट्रेनें रद्द, मिलेगा कैंसिल टिकट का पैसा। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए रेलवे ने सभी रेगुलर ट्रेनों को रद्द कर दिया है। रेलवे बोर्ड ने गुरुवार को कहा है कि सभी नियमित मेल एक्सप्रेस और यात्री ट्रेन सेवाओं के साथ उपनगरीय ट्रेनें 12 अगस्त तक रद्द रहेंगी। उन्होंने बताया कि सभी स्पेशल ट्रेनें चलती रहेंगी। कैंसिल की जा रही ट्रेनों के टिकट का पूरा पैसा रिफंड होगा। रेलवे के मुताबिक यात्री अपने टिकट का पैसा रेलवे के काउंटर से जाकर ले सकेंगे। इसके लिए यात्री को रेलवे काउंटर पर अपना पुराना टिकट दिखाना होगा, फिर उसे वहीं से कैश में रिफंड मिल जाएगा। वहीं जिन लोगों ने इंटरनेट के माध्यम से टिकट बुक किया है, उन्हें रेलवे की तरफ से उनके खाते में डायरेक्ट पैसा रिफंड किया जाएगा। लद्दाख सीमा पर तनाव जारी, दोनों देश कर रहे हैं ड्रोन से LAC की निगरानी। लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के बीच गतिरोध जारी है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है और दोनों देशों की ओर से जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है। इस बीच चीन के ड्रोन कई बार भारतीय क्षेत्र में देखे गए हैं। सूत्रों का कहना है कि चीनी ड्रोन पिछले कुछ हफ्तों में कम से कम 4 भारतीय पोजीशन पर देखे गए थे। दोनों देशों के बीच 1 महीने से अधिक समय से जारी गतिरोध के कारण सेनाएं एक दूसरे पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। CBSE की ओर से बनाई जा रही है नई योजना, 15 जुलाई तक घोषित किया जा सकता है रिजल्ट। 10वीं और 12वीं की परीक्षा कैंसिल करने के बाद CBSE की ओर से रिजल्ट के ऐलान की नई योजना बनाई जा रही है। सूत्रों का कहना है कि CBSE अब परीक्षा कराने के मूड में नहीं है। छात्रों के रिजल्ट घोषित करने के लिए CBSE की ओर से नई स्कीम बनाई जाएगी और उस आधार पर मूल्यांकन करके रिजल्ट जारी किया जाएगा। बताया जा रहा है कि CBSE 15 जुलाई तक रिजल्ट घोषित कर सकता है। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग में CRPF टीम पर आतंकी हमला, जवान शहीद और बच्चे की मौत। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में शुक्रवार को CRPF की टीम पर आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में एक CRPF का जवान शहीद हो गया, जबकि एक बच्चे की मौत भी हो गई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार CRPF की यह टीम अनंतनाग के बीज बेहरा पर हाईवे सिक्योरिटी में तैनात थी। अर्जुन कपूर का 35वां जन्मदिन आज, बहन अंशुला कपूर ने लिखा दिल को छू लेने वाला ये पोस्ट। बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर अर्जुन कपूर का आज जन्मदिन है। आज वह 35 साल के हो गए हैं। उनके जन्मदिन के मौके पर उनकी बहन अंशुला कपूर ने एक दिल को छू लेने वाला पोस्ट लिखा है।
इस इमोशनल पोस्ट में अंशुला ने अपने भाई को उनकी केयर और प्यार का जिक्र किया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड में नेपोटिज्म कीवर्ड का ऑनलाइन सर्च 2000% बढ़ा। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद लोगों के बीच बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। हाल ही में एक स्टडी से पता चला है कि 14 जून को जिस दिन सुशांत की मृत्यु हुई थी और 15 जून को नेपोटिज्म कीवर्ड के सर्च में लगभग 2000% की वृद्धि हुई है। आज की बड़ी खबरों में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाले वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करिए।